इस वीडियो में मैं आपको लाइन की इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा जो कि परपेंडिकुलर हो एक गिवन लाइन से और कोई एक पॉइंट से पास होती हो। ठीक है, मतलब कंडीशन ये है कि ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ले लीजिए आप 3x + 5y = 4। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है ये जो कि पास हो रही है सपोज पॉइंट 1,2 से। ठीक है, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी। ठीक है, तो किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन का फॉर्म ऐसा रहेगा। ठीक है, अगर इसका इक्वेशन है 3x + 5y तो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी 5x - 3y। ठीक है, +c = 0। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनके कोफिशियंट को रिवर्स कर देंगे और किसी में भी एक्स में या वाई में आप माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 1,2 से, तो हम इस पॉइंट को पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 5 × 1 - 3 × 2 + c = 0। ये हो जाएगा 5 - 6 + c = 0। c की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये पुट कर देंगे इसमें तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 5x - 3y + 1 = 0। ठीक है, 5x - 3y + 1 = 0। ठीक है, तो ये वो तरीका जिससे आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे जो कि एक गिवन लाइन से परपेंडिकुलर हो और गिवन पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। सपोज इक्वेशन है 2x + 5y = 1। ठीक है, और ये इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है वो पास हो रही है 1,-1 से। ठीक है, तो आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो क्या तरीका बताया, एक्स और वाई के जो कोफिशियंट है उनको रिवर्स कर दो। जो वाई का कोफिशियंट था वो एक्स में आ जाएगा, जो एक्स का कोफिशियंट था वो वाई में आ जाएगा। ठीक है, और किसी एक का साइन चेंज कर दो। ठीक है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। ठीक है, और +c = 0। ठीक है, तो ये एक जनरल इक्वेशन हो गई जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो सकती है कोई भी। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट दिया हुआ हम इसमें पुट करेंगे तो एक यूनिक इक्वेशन आ जाएगी। ये हो जाएगा 5 × 1 - 2 × -1 + c = 0। ये हो जाएगा 5 + 2 + c = 0, c = -7। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x - 2y - 7 = 0। ठीक है, तो ये कुछ क्विक तरीके हैं जिससे आप जल्दी से लाइन की इक्वेशन लिखें जो कि इस कंडीशन को अवॉइड करती है। ठीक है, आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच।